गर्मियों में अगर मैंगो आइसक्रीम आपने घर पे नहीं बनाई है तो अभी फटाफट से इस रेसिपी को देख लो और बना लो। तो चलिए मैं आपको आइसक्रीम बनाना बता देती हूँ, तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने इसमें दो मैंगोज़ लिए हैं और मिक्सर का जार भी मैंने रख दिया है। और अभी सबसे पहले जो है मैं मैंगो को जो है उसका छिलका निकाल लूँगी। और तब तक जो है आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल साजिम किचन होम 786 में। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल में जो है लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से फटाफट से कर लेना। और फिर मैंने जो इसको बारीक से ऐसे पीसेस कर लिए हैं, और देखना आप लोग धीरे से करना क्योंकि मैंने इसकी स्पीड जो है बढ़ाई है, तो आपको लग रहा होगा कि मैंने कितनी फास्ट कटिंग की है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्लोली करना। फिर ये मेरा पल्प जो है बन के रेडी हो चुका है। और पल्प में जो है मैंने शुगर बिल्कुल भी नहीं डाली थी, तो आप लोगों को भी नहीं डालना है। और फिर जो है एक बर्तन में मैंने आइस करने के लिए रख दिया था, और दूसरा बर्तन इधर मैंने लिया है क्योंकि अभी ये व्हिपिंग क्रीम जो है हमारी फ्रेश क्रीम मैंने अमूल की ली है, तो वो मैं क्रीम इसके अंदर डालूँगी। अब इसको हम लोग व्हिपिंग क्रीम बनाएंगे, तो फिर मैंने थोड़ा सा अमूल क्रीम और आइसिंग शुगर है वो जो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। और फ़िलहाल मैंने सिर्फ एक दो स्पून ही डाला है। और फिर मैं जो है पूरा क्रीम जो है इसके अंदर फिर से ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसका टेस्ट देखूँगी कि मिठास में कमी है या नहीं, तो मुझे थोड़ा सा फीका लगा तो मैंने और ऐड कर लिया है, तो आप लोग भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देना। और फिर जो है हमें इसे अच्छे से क्रीमी होने तक जो है फेटते रहना है। थोड़ा हाथ में दर्द हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आइसक्रीम का तो मज़ा आ जाएगा। फिर जो है आपने जो पल्प रेडी किया था वो पल्प को जो है उसके अंदर आपको डाल के मिक्स करना है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। और फिर से इसको अच्छे से फेटते रहना, और देख सकते हैं आप बहुत ही क्रीमी टेक्सचर से हमारा मैंगो पल्प व्हिपिंग क्रीम भी सब मिक्स हो के अच्छा सा टेक्सचर बन चुका है आइसक्रीम का। ये मैंने एक डब्बी में ट्रांसफ़र कर लिया है, और उसके बाद इसको अच्छे से सेट कर लूँगी मैं। और अब बारी आती है इसको ढकने की। आप जो है इसको प्लास्टिक कवर होता है उससे भी आप ढक सकते हैं। फिर आफ्टर 6 आवर मैंने ये डिब्बे को रेफ्रिजरेटर से निकाल दिया है, और मैं इसको अच्छे से आपको दिखा देती हूँ कि मेरी आइसक्रीम कितनी स्मूथ, बिल्कुल बाज़ार में मिलने वाली आइसक्रीम बन के रेडी हो चुकी है। और इसमें ज़्यादा कुछ मैंने इंग्रेडिएंट्स भी नहीं डाले, बस आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से अगर आप आइसक्रीम बनाओगे कि बहुत ही टेस्टी यम्मी और रिफ़्रेशिंग भी है। और आप ज़रूर घर पे बना के ट्राई कर देना। ये मैं एक चम्मच खा रही हूँ, बहुत ही यम्मी था, और आप लोग ज़रूर बना के ट्राई करना। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल साजिम किचन होम 786। बाय बाय।